हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे अपूर्णता के बारे में, दोष के बारे में, जिसमें हमने स्टाइकियोमेट्री जो दोष थे, रस समीकरणमिति दोष, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं जो दूसरा प्रकार है, अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष क्या होता है कि हम किसी भी शुद्ध ठोस के अंदर यदि कोई अशुद्धि मिला दी जाए, तो अशुद्धि मिलाने से उस शुद्ध ठोस के गुणों में यदि कोई परिवर्तन आता है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। और किसी भी शुद्ध ठोस के अंदर अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं अपमिश्रण। ठीक है, तो अपमिश्रण के कारण हम क्या करते हैं, किसी भी ठोस के जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन लाते हैं, ऐसे दोष को हम कहते हैं अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष की परिभाषा हम लिखें, जब किसी शुद्ध ठोस में किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाए जिससे ठोस के भौतिक गुणों में जैसे विद्युतीय गुण में परिवर्तन आता है, अशुद्धता ठोस दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष कहते हैं, यानी हमें किसी शुद्ध ठोस में अशुद्धि मिलानी है जिसके कारण शुद्ध ठोस के गुणों में चेंज आ जाता है, इसी प्रकार के दोष को हम कहते हैं अशुद्धता दोष। तथा अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। यानी कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अशुद्धि को ठोस के अंदर मिलाते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है अपमिश्रण। और इस प्रकार से हम यदि किसी ठोस में गुणों में चेंज लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, जो अशुद्धि मिला के, ऐसे हम दोष को कहते हैं अशुद्धता दोष। जैसे उदाहरण के लिए, यदि NaCl क्रिस्टल में Strontium+2 की अशुद्धि मिलाई जाए, तो दो सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, दो सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिसमें से एक एक रिक्त स्थान पर Sr+2 आयन आ जाता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है, रह जाता है।
इससे ठोस का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इससे ठोस का घनत्व घट जाता है क्योंकि इसमें आयन की संख्या कम हो गई। तो देखो, 2 सोडियम आयन जब जाते हैं तो 2 सोडियम आयन जाने के कारण वहां पे 2 रिक्तिका बनेगी। जैसे मान लो एक तो यहां से सोडियम आयन चले गए और एक यहां से सोडियम आयन बाहर चले गए। ये दोनों सोडियम आयन थे जो अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल गए, तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी। और हम इस क्रिस्टल के अंदर Sr+2 की अशुद्धि मिला रहे हैं, तो हमारे पास 2 रिक्तिका है। एक रिक्तिका तो Sr+2 के कारण क्या कर ली जाएगी, ग्रहण कर ली जाएगी, लेकिन दूसरी जो रिक्तिका है वो खाली रह जाएगी रिक्तिका के रूप में। दूसरा स्थान जो है वो खाली रह जाएगा एक रिक्तिका के टाइप के अंदर। तो इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो भी कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या घट रही है। तो यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि हमने Sr+2 की अशुद्धि मिलाई तो 2 सोडियम आयन क्यों गए। देखो, हमने क्रिस्टल के अंदर 2 पॉजिटिव आवेश प्रवेश करवाया है, तो जब 2 पॉजिटिव आवेश प्रवेश करवा रहे हैं तो 2 पॉजिटिव आवेश बाहर भी जाने चाहिए, क्योंकि जब 2 पॉजिटिव हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा। जब धनात्मक आवेश बढ़ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो विद्युत उदासीनता है वो खत्म हो जाएगी, और क्रिस्टल जब तक विद्युत उदासीन नहीं होगा तब तक वो स्थायी नहीं होगा। तो क्रिस्टल को यदि स्थायी रखना है तो हमें उस क्रिस्टल के अंदर जो आवेश की मात्रा है वो क्या रखनी पड़ेगी, बराबर। जब तक आवेश की मात्रा बराबर नहीं है तब तक क्रिस्टल जो है वो स्थायी नहीं होगा। तो जब हमने यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज उसमें जोड़े हैं तो वहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज को हटाना भी होता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज निकल गए, 2 पॉजिटिव चार्ज जुड़ गए, तो इससे इस ठोस की जो विद्युत उदासीनता है वो क्या रह गई, बनी रह गई, क्रिस्टल भी स्थायी हो गया। लेकिन इसमें एक चेंज आ गया कि जब 2 सोडियम आयन गए तो एक तो Sr+2 आ गया उसके स्थान पे, लेकिन एक जो जगह थी वो क्या रह गई, खाली रह गई, रिक्तिका रह गई। तो इसके कारण इस ठोस का जो घनत्व है वो क्या हो गया, घट जाता है। तो अशुद्धता दोष में यहाँ पर हमने ये देखा कि NaCl के अंदर यदि हम Sr+2 मिलाते हैं तो NaCl क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ऐसे दोष को हम कहते हैं अशुद्धता दोष। अगला देखो, दूसरा प्रकार भी पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे दोष की जिसका नाम है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष स्टाइक्योमेट्री दोष का उल्टा होता है। ऐसे दोष जिसमें ठोस की स्टाइक्योमेट्री यानी कि संगठन बदल जाता है, ऐसे दोष जिनमें ठोस यानी कि पदार्थ का संगठन यानी कि स्टाइक्योमेट्री, संगठन का मतलब क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री बदल जाती है इसे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। एरस समीकरण मिति, हिंदी में इसको एरस समीकरण मिति कहते हैं और स्टाइक्योमेट्री को रस समीकरण मिति कहते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री के अंदर संगठन बदलता नहीं है जबकि नॉन स्टाइक्योमेट्री के अंदर संगठन बदल जाता है। ऐसे दोष ज़्यादातर उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिसमें धातु जो है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है, यानी कि यह दोष
उन यौगिकों में अधिकांशतः पाया जाता है, अधिकांशतः पाया जाता है जिनमें धातु आयन परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। ज्यादातर हम डी ब्लॉक के धातुओं की बात करते हैं, डी ब्लॉक की धातुएं। तो जितने भी डी ब्लॉक की धातुएं हैं उनमें इस प्रकार का दोष हम देख सकते हैं, जिनकी संयोजकता जो है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील संयोजकता का अर्थ क्या होता है कि यदि किसी आयन में एक से अधिक संयोजकता होती है, कोई भी एक आयन यदि एक से ज़्यादा संयोजकता दर्शाता है उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। और ये जो परिवर्तनशील संयोजकता का जो गुण है वो ज़्यादातर हम डी ब्लॉक के तत्वों में देखने को मिलेगा। ये जो प्रकार का जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं परिवर्तनशील संयोजकता की, ये अधिकांशतः हम डी ब्लॉक के धातुओं में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो धातुएं हैं वो एस और पी के क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। इनका आकार भी दोनों का मध्यवर्ती होता है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी दोनों के मध्यवर्ती होती है एस और पी ब्लॉक के तत्वों की। तो जिससे इनकी जो संयोजकताएं हैं वो कभी फिक्स नहीं होती, इनकी संयोजकताएं ज़्यादातर क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए से हम परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। और ऐसे धातुएं जिनके यौगिक जिनमें ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं उनमें जो दोष उत्पन्न होता है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष होगा। ठीक है, तो अब देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष हमने दो भागों में इसको बांटा था। तो आपको याद होगा जब हमने दोष को स्टार्ट किया था, जब शुरू किया था, तो सबसे पहले बोर्ड पे मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, कितने जितने भी दोष थे उन सबको चार्ट में एक हमने लिख कर देखा था। उसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष जो है उनको दो भागों में विभाजित किया था। पहला था धातु आधिक्य दोष और दूसरा कौन सा था, धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष और दूसरा क्या था, धातु न्यून दोष। ये दो प्रकार के थे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं धातु आधिक्य दोष की। धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष क्या होता है? देखो धातु का मतलब धनायन होगा, आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा, और ऐसे दोष जिसमें धातु की मात्रा बढ़ जाती है, धनायन की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। जब धनायन या धातु की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी इसके अंदर, ऐसे दोष को हम धातु आधिक्य दोष के अंदर पढ़ेंगे। अब धनायन की मात्रा दो तरीके से बढ़ सकती है, धातु की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो यदि हम ऋणायन को कम कर दें तो धनायन बढ़ जाएगा, एक हम बाहर से उसको धनायन और उपलब्ध करवा दें, यानी कि पहले जो धनायन थे उसमें हमने बाहर से धनायन जोड़ दिया तो धनायन बढ़ जाएगा। तो यहाँ धनायन की मात्रा को बढ़ाना यानी कि धातु की मात्रा को बढ़ाना, इसके दो तरीके हैं। पहला तो क्या है, ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी
यदि हम ऋणायन को कम करते हैं तो बढ़ सकता है। और दूसरा क्या है, अतिरिक्त धनायन। तो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, धातु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऋणायन की कमी के कारण। धातु आदि के दोष के अंदर पहला जो है ऋणायन की कमी के कारण, या फिर हम कह सकते हैं ऋणायन की रिक्तिका, क्योंकि ऋणायन की कमी होगी। ऋणायन जब क्रिस्टल से बाहर जाता है तो उसके स्थान पे क्या जाता है, रिक्तिका आ जाती है, उससे कहते हैं ऋणायन रिक्तिका। तो ऋणायन के जाने से जो रिक्तिका बनती है उसको ऋणायन रिक्तिका कहते हैं, और धनायन के जाने से जो रिक्तिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं, धनायन रिक्तिका कहते हैं। तो पहला प्रकार हम लेते हैं ऋणायन की कमी, या फिर हम कह सकते हैं ऋणायन रिक्तिका के कारण, रिक्तिका के कारण। देखो बेटा, हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, ए और बी एक क्रिस्टल है जिसमें ए धनात्मक है और बी ऋणात्मक है, ये प्लस माइनस, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये हमने एक क्रिस्टल बनाया, इसके अंदर हमने आयनों को भी रख दिया। आयनों को रखने का तरीका यही होगा, एक धनायन एक ऋणायन। एक जैसे आयन पास पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रतिकर्षण हो जाएगा और प्रतिकर्षण से वो अस्थायी हो जाएगा। अब हमें इसमें धनायन की मात्रा को बढ़ाना, यानी हमें ए की मात्रा को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को कम करना पड़ेगा ऋणायन की रिक्तिका। चलो मान लेते हैं हम इस बी को यहाँ से हटा देते हैं, तो इस बी के हटने से यहाँ पे खाली स्थान बन गया। ये जो रिक्त स्थान बना वो किसके कारण बना, ऋणायन के कारण, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ऋणायन रिक्तिका। ठीक है, अब देखो, अब इस क्रिस्टल से हमने ऋणायन को कम किया तो धनायन बढ़ गया मात्रा में। जब धनायन मात्रा में ऋणायन से ज़्यादा हो जाता है, या फिर ऋणायन मात्रा में धनायन से ज़्यादा हो जाता है, तो आवेश असंतुलित हो गया। आवेश असंतुलित होने का मतलब है कि इसमें जो विद्युत उदासीनता है वो खत्म हो गई, यानी कि अब ये जो ठोस जो है वो विद्युत उदासीन नहीं है, क्योंकि दोनों में इस ठोस के अंदर जो आवेश है वो बराबर नहीं आ रहा। तो आवेश जब बराबर नहीं है तो इस ठोस की जो विद्युत उदासीनता है वो खत्म हुई, और खत्म होने के कारण इस ठोस का जो स्थायित्व है वो भी क्या हो गया, खतरे में। क्योंकि विद्युत उदासीनता जब नहीं रहेगी तो ठोस जो है वो खतरे में आ जाएगा, उसका जो स्थायित्व है वो खतरे में आ जाएगा भाई, कम स्थायी हो जाएगा। तो इस ठोस को फिर स्थायी करना है तो एक ही तरीका होगा कि इसकी जो विद्युत उदासीनता है उसको बराबर कर दिया जाए। तो ऋणायन कमी हुई है तो हमें यहाँ पर ऋणायन रखना पड़ेगा, जितना आवेश बाहर गया है उतना आवेश इसके अंदर आना भी चाहिए। तो यहाँ पर इस दोष के अंदर क्या व्यवस्था की गई भाई, इस दोष में क्या व्यवस्था देखने को मिली, कि जब किसी क्रिस्टल में से ऋणायन जब चला जाता है तो उसके स्थान पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, यानी कि ऋणायन जहां से गया है उसके स्थान पे एक इलेक्ट्रॉन आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऋणात्मक आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋणात्मक प्रकृति का इलेक्ट्रॉन जब इस ऋणायन रिक्तिका पे आ जाता है तो जितना धनावेश यहाँ बड़ा था, अब वो धनावेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि इसकी विद्युत उदासीनता क्या हो गई, बैलेंस हो गई और ये स्थायी हो जाता है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो क्रिस्टल है ना ये एकदम अलग व्यवहार करने लग जाएगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था
अब यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन से ये जो ठोस है ना ये भी कुछ अलग व्यवहार करने लग जाएगा, ये पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जैसा तब रहता जब सारे धनायन ऋणायन होते, लेकिन यहां तो अब ऋणायन की जगह एक दूसरा ही कण आ गया जो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन अपना काम करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के यहां आने के कारण ये जो केंद्र बना है जिस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस केंद्र का नाम रखा गया एफ केंद्र। अब ये जो एफ केंद्र है जिसमें ये जो एफ शब्द लिया है, अल्फाबेट लिया है, ये एल्फ एफ लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के अंदर एक वर्ड होता है फार्बेन जेनेटर, फार्बेन जेनेटर, फार्बेन जेनेटर का अर्थ होता है रंग उत्पत्ति केंद्र, रंग उत्पत्ति केंद्र, यानी कि इस केंद्र के कारण क्रिस्टल में क्या होगा, एक कलर उत्पन्न हो जाएगा, एक रंग उत्पन्न हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा होती है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं और एफ केंद्र कब बनता है। जब किसी धातु आदि के दोष के अंदर ऋणायन रिक्तिका बनती है तो विद्युत उदासीनता को बराबर करने के लिए उस ऋणायन रिक्तिका के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस इलेक्ट्रॉन के आने से ये जो क्रिस्टल है वो कलर हो गया, वो रंगीन हो गया, अब उसका कलर चेंज हो गया, पहले वो सफ़ेद था, अब वो पीला हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, जो भी है कोई ना कोई कलर उसमें आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जब क्रिस्टल रंगीन हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को या इस इलेक्ट्रॉन वाली साइट को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। एफ शब्द कहाँ से लिया, एफ जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया, लैटिन भाषा में क्या होता है, फार्बेन जेनेटर, और फार्बेन जेनेटर का हम क्या अर्थ लेते हैं, रंग उत्पत्ति केंद्र। ये होता है ऋणायन रिक्तिका के कारण क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का आ जाना। ठीक है बेटा, अब हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें परिभाषा देखेंगे, सारी अपन बात करेंगे और ये टॉपिक कल अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, पीछे वाले जो टॉपिक है जो क्लास है उनको भी वापस रिवाइज करना है और इनके नोट्स बराबर बनाते रहना है, और किताब भी पढ़ते रहना। कोई भी किताब में आपको नई चीज़ मिलती है तो आप उसे नोट करें, और कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो बुक के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया, आपको समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। ठीक है।